वो गुंडा बैंक के संचालक है, गुंडा बैंक चला करके हजारों गरीबों का खून चूस करके टिकट खरीद सकता है। संजय कुशवाहा के साथ एक तरफा है यहाँ, हसुआ हथौड़ा सितारा छाप जो है सब लोगों के जुबान पर है। स्व पार करना दुर्लभ है उनके लिए, इस बार जनता जो है कोई जुमला में नहीं फंसने वाला है। विरोधी उम्मीदवार है, उसका पहचान यही है कि 27 करोड़ दे करके वो टिकट खरीद के आए हैं, और जैसे वो टिकट खरीद के आए हैं ना ये लोग नौकरी की बात करेगा, ना गरीबी की बात करेगा, ना महंगाई की बात करेगा, ना विकास की बात करेगा। ही बना वाली कंपनी से ढाई लाख करोड़ का चंदा लिया, तो ये लोग गाय का जो है कहेगा गाय माता, और गाय को कटवाने वाले लोग से चंदा लेता है। पूरा एक तरफा माहौल है, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग जो है भाई संजय कुशवाहा जी के में एकमत होकर के अपने खगड़िया के लाल को कार। अभी हम मौजूद हैं खगड़िया में, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जो गरीबों के बीच उतर के काम करते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले। आज हमारे साथ मनोहर यादव जी जुड़े हुए हैं। सर, आज आप संजय कुशवाहा जी के साथ क्षेत्र में घूमे, तो यहाँ पे जनता का रुझान खगड़िया लोकसभा में कैसा रहा? पूरा एक तरफा माहौल है, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग जो है भाई संजय कुशवाहा जी के में एकमत होकर के अपने खगड़िया के लाल को वोट कर रहा है, और एक तरफा यहाँ है, कोई लड़ाई नहीं, कोई ये नहीं, सब लोग जहाँ एक तरफ उम्मीदवार जो विरोधी उम्मीदवार है उसका पहचान यही है कि 27 करोड़ दे करके वो टिकट खरीद के आए हैं, और जैसे वो टिकट खरीद के आए हैं उसी तरह उसको जो है वोट के चोट से जो है धनबल पर जनबल भारी रहेगा, और वोट के चोट से उसको जो है वापस भागलपुर भेज दिया जाएगा। वो गुंडा बैंक के संचालक है, गुंडा बैंक चला करके हजारों गरीबों का खून चूस करके टिकट खरीद सकता है, लेकिन जनता के दिल को नहीं खरीद सकता है, इसलिए जनता उसको रिजेक्ट कर दिया है। भाई संजय कुशवाहा जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सीताराम येचुरी, डी राजा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का जो उम्मीदवार है, मुकेश सहनी जी का जो उम्मीदवार है, भाई संजय कुशवाहा जी यहाँ एक तरफा वोट से जीत रहा है, सब जाति का समर्थन प्राप्त। लेकिन बीजेपी वाले इस बार 400 पार, बीजेपी का जो है अभी इस बार जो है पता कीजिए, 100 पार करना दुर्लभ है उनके लिए, इस बार जनता जो है कोई जुमला में नहीं फंसने वाला है। जनता देख लिया है देश की महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, त्रासदी, सब चीज देख लिया जनता, देख लिया है पुलवामा हमला कैसे हुआ, देख लिया है कोरोना काल में पैसा के बीजेपी वाले पैसा के लोभ में, चंदा के लोभ में किस तरह से पूरे देश के आम आवाम को जो है बिना जांच के गलत वैक्सीन लगा दिया, जिससे हार्ट अटैक करके लोग मर रहा है। तो ये बिरयानी पाकिस्तान में जाके खाता है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा। नरेंद्र मोदी जी जनता के हित के नहीं है, किसान परेशान है, 1400 किसान को पीट पीट करके मार दिया आंदोलन के दौरान। आंदोलन करने वाले किसान के मार्ग में, सड़क में बड़ा बड़ा कील ठोक दिया, तो ये तो दुर्भाग्य है। देश में ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई, देश का भूल कमल का फूल, और इस बार देश में सुधार कर रहा है लोग, जनता सुधार कर रही है, जो भूल हुई है
अब दोबारा वो भूल होने वाला नहीं है। सब लोग एक मत है, सब लोग एक साथ हो करके। जनता 2014 में भूल करके फिर 19 में कैसे भूल गए थे? नहीं, 19 में पुलवामा हमला करके सेंटीमेंटल देश राष्ट्र के प्रति जो है एक भावना जगा दिया था, और ये माइंड गेम जो है खेल करके अपने ही देश के सेना के साथ षड्यंत्र करके देश के सैनिक को शहीद करके हत्या करके ये लोग चुनाव जीतने का काम किया। ये लोग किसी का नहीं है, कोई जनता के हित का नहीं है, ना ये लोग नौकरी की बात करेगा, ना गरीबी की बात करेगा, ना महंगाई की बात करेगा, ना विकास की बात करेगा, ना किसान के आर्थिक स्थिति सुधार की बात करेगा, ना संपूर्ण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करेगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है नफरत का बीज बोते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके जुमला के सहारे ये लोग चुनाव जीत करके अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति का ये लोग दलाली करते हैं। ये लोग अडानी अंबानी के अधीन है, उसके लिए काम करता है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, अभी समथिंग 10 साल हो गए, क्या 20 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दिया? नहीं, 10 साल में 1 करोड़ भी नौकरी नहीं दे सके। ये जुमले की सरकार है, हम पहले भी कहे भी कहते हैं कि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, नौजवान से कोई लेना देना नहीं है, किसान से कोई लेना देना नहीं है, आम आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है सिर्फ अपने आका जो अडानी अंबानी जैसे चंद पूंजीपति है उसके लिए ये लोग काम करता है। उसका आय कोरोना काल में भी 20 गुना बढ़ गया। देश भुखमरी से मर रहा था, देश में भुखमरी था, देश बदहाल था, और अडानी अंबानी और वैक्सीन कम बनाने वाली कंपनी का आय जो है 20 गुना 25 गुना बढ़ गया। तो ये लोग इस बार जनता इसको रिजेक्ट कर दिया है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास ओपिनियन कर रहे थे, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि देश में महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, देश में अंधभक्त का कमी है क्या? हर तरह के लोग हैं, अंधभक्त है। जो अंधभक्त है उनके पिताजी कैसे जो है भोजन का व्यवस्था कर रहा है, कपड़ा का व्यवस्था कर रहा है, शिक्षा का व्यवस्था कर रहा है, उसके घर के उनके गार्जियन से जाके पूछिएगा। जो अंधभक्त है, फेसबुक व्हाट्सएप वाले लोग हैं और उस तरह के जो अंधभक्ति में लगल है, जिसको बीजेपी के लोग हमारे नेता कहते हैं ना, गोबर को भी हलवा बना के खिला देता है और वो बड़ा शौक से खाता है कि बहुत बढ़िया लग रहा है, तो ऐसे लोग कुछ हैं जो मोदी मोदी करेंगे। लेकिन वो अब कम बच्चे हैं, वो लोग जो है पढ़ाया हुआ तोता है। बीजेपी बीफ कंपनी से 250 करोड़ के लगभग चंदा लिया, इस पे आपका क्या कहना? और बीजेपी वाले कहते हैं कि ये जनता को जानने का अधिकार भी नहीं है, मतलब सिर्फ जनता वोट देने का अधिकार। जनता को सब कुछ जानने का अधिकार है, जनता को तो प्रधानमंत्री पद पर बैठाने का अधिकार है, तो सबसे बड़ा ताकत तो जनता के पास है। बटन टिप दिया तो नरेंद्र मोदी साफ, उसके पक्ष में बटन टिपा तो नरेंद्र मोदी आए, अभी विपक्ष में टिपेगा तो ये नरेंद्र मोदी रातों रात ख़त्म हो जाएगा। जनता को हर चीज़ को जानने का अधिकार है। ऐसे ऐसे तानाशाह हिटलर लोग चंद दिन के लिए आते हैं और इसकी बड़ी दुर्गति होती है। बीफ बना वाली कंपनी से ढाई लाख करोड़ का चंदा लिया, तो ये लोग गाय का जो है कहेगा गाय माता, और गाय को कटवाने वाले लोग से चंदा लेता है, पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाता है,
और बदनाम भारत के मुसलमान को करता है। भारत के मुसलमान को जो है और हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करता है। तिलों का चेहरा तो अब उजागर हो गया है। अभी आप जनता के बीच जाके जनसंपर्क यात्रा कर रहे थे, जिस तरीके से मैंने देखा कि यहाँ पे लाखों की भीड़ थी, क्या चुनाव के वोटिंग के टाइम ऐसा रुझान रहेगा? इससे भी ज़्यादा भीषण गर्मी था। आप देखे, कड़ाके की धूप थी और तेज धूप में भी लोग डटे रहे, अपना खा पी के डटे रहे, किसी को कोई साधन सुविधा नहीं, फिर भी लोग डटे रहे। इस बात का प्रमाण है कि जनता इस बार सब कुछ सह करके इस बार एक ही मन बना लिया है, एक ही निर्णय ले लिया है कि देश से नरेंद्र मोदी को भगाएंगे और खगड़िया से जो माफिया है, जो बड़े बड़े स्कैम भागलपुर में बड़े बड़े स्कैम करके आए हैं, गुंडा बैंक चला करके आए हैं और 27 करोड़ में टिकट खरीद करके आए हैं। कौन आया आप एक बार नाम बता दीजिए? राजेश वर्मा जो है लोजपा के उम्मीदवार, 27 करोड़ दे के आप किसी बच्चा से पूछ लीजिए, जिला के ए टू जेड सब लोग जानता है कि 27 करोड़ में टिकट खरीद के आया है। टिकट खरीदना, गरीबों का खून चूस करके वो टिकट खरीद सकता है, गरीब को लूट करके रखा है, टिकट खरीद लिया। लेकिन जो खगड़िया के मतदाता है उसका दिल कैसे खरीदेगा? सारा मतदाता उसके पक्ष में, उसके इस कुकृत को जान करके उसको रिजेक्ट कर दिया है। और आप देख लीजिएगा, वो चुनाव से पहले जो है खगड़िया छोड़ देगा, बिल्कुल खगड़िया चुनाव तक भी नहीं रह सकेगा, क्योंकि एक तरफा यहाँ जो है, मतलब एक तरफा खगड़िया की जनता संजय कुमार कुशवाहा के साथ है। संजय कुशवाहा के साथ एक तरफा है यहाँ, हसुआ हथौड़ा सितारा छाप जो है सब लोगों के जुबान पर है, बाकी दूसरा तीसरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। अब कुछ लोग है जो मुर्गा दारू खाता है, राजेश करता है, हेलीकॉप्टर करता है, तो मुर्गा दारू खाने वाले लोग भी 7 तारीख को देखिएगा, उसका आत्मा गवाह देगा, आत्मा उसका जमीर जागेगा, उसके घर के लोग कहेंगे कि आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि मुर्गा भात खा के, मतलब जो आपके विपक्षी में है वो पैसा दे के मंगवाते हैं लोगों को, तब पैसे दे के जाके देखिए उसके भीड़ में कहाँ का लोग रहता है, सब मुर्गा खाने वाला है, मुर्गा दारू खा के जो है ये लोग चंद समय के लिए है, चुनाव के दिन वो भी लोग हम लोग को वोट करेगा, चूँकि उसका भी उसके घर में भी बेरोजगारी है, उसके घर में भी महंगाई की मार है, उसके यहाँ भी एजुकेशन और इलाज जरूरी है, तो ये सब चीज़ है, उसके गांव का भी विकास है, सब लोग को चाहिए विकास, शिक्षा, रोजगार, तो सब लोग वोट कर रहा है इस बार। कुछ लोग खाने पीने वाला उधर है अपना। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।